दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय रणवीर की बात की जाए तो वो कहने के लिए मीका के साथ में है, लेकिन वो अभी भी वो प्राची के ही साथ में नजर आ रहा है। और अक्षय को वो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अक्षय इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि अक्षय को पता है कि आखिरकार रणवीर कुछ भी कर सकता है। इसलिए अक्षय खुद चाहता है कि किसी भी तरीका से रणवीर यहाँ से चला जाए। हालांकि वो जल्द से जल्द मीका के लिए इसलिए शादी कराने की प्लानिंग कर रहा है ताकि रणवीर पर मीका का हक हो सके और मीका उसे जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सके। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई मोड़ों में वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी होने का मतलब ये नहीं बल्कि बहुत कुछ है, क्योंकि सभी लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार रणवीर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। रणवीर जो सोचता है और जो चाहता है उसे हासिल भी कर लेता है। रणवीर में वो ताकत है, वो जज्बात हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रियाएं हैं रणवीर के अंदर। साथ ही दोस्तों बात की जाए इस समय रणवीर की फैमिली की, तो रणवीर की फैमिली में से यानी इस समय सबसे ज़्यादा पल्लवी गर्म होती हुई नज़र आ रही रणवीर की मोम। रणवीर की मोम का मानना ये है कि रणवीर को हमारी चिंता ही नहीं है, और आज हमारा बेटा रणवीर हमसे दूर इस समय है, लेकिन वो दूर किसकी बदौलत? प्राची और रिया की बदौलत, क्योंकि ये रणवीर को दोनों ही बहन हासिल करना चाहती थी और इस समय मिला किसी को नहीं है रणवीर। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई और पोस्ट लगातार आते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि जल्दी ही कहानी में बेहद बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है दोस्तों, जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।